GoPro यार टूटो ने पता अरे तक GoPro ने कोई बता रो ले वही चल निकल। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे ब्लॉग चैनल में। मेरा नाम नितेश गैरोला है एंड वॉचिंग नितेश गैरोला ब्लॉग। तो अभी जो कल जैसे हमने बताया था ब्लॉग में कि बारिश हो रही है, तो अभी आप पूरा देख लीजिए, पूरा चौक जो कि गीला हुआ पड़ा है। और सामने केदारनाथ जो कि इतनी बर्फ़बारी हुई कल को, ये आपको दिखेगा। यहाँ पूरे जो अभी बादल लगे हुए हैं मॉर्निंग तक, जो कि मॉर्निंग में जो वहाँ पे क्लियर हो गया था एक बार, पूरी जो कि पहाड़ी एकदम बर्फ़ से ढकी हुई थी, वो साफ दिखाई दे रही थी। अभी तो नहीं दिखाई दे रही है, अभी फिर से बादल आ गए, लेकिन मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है, वो आप जाके देख लीजिए एक बार। आज के मौसम का हाल ये देख लीजिए। कल आपने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पूरा जो है एकदम काला कलर का, मतलब पूरे पहाड़ जो पूरा काले हुए थे। और आज देख लीजिए पूरे सफ़ेद हुए हैं यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक। और यहाँ अभी बर्फ़ गिर रही है पीछे, मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा केदारनाथ की। केदारनाथ में बर्फ़ गिर रही है और यहाँ पूरी बारिश हुई, सारे खेत देख सकते हैं आप, पूरा खेत जो है गीले हैं, पूरी छत भी गीली हुई है। और यहाँ ठंड का मौसम जो है कि काफ़ी बढ़ चुका है। ठंड का मौसम बता रहा हूँ, ठंड का माहौल बढ़ चुका है, ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है। तो अभी जो बन रहा है बाड़ी, तो अभी जो कि आज मम्मी लोग जो कि घास के लिए नहीं गए, क्योंकि फिसलन बहुत, रास्ते में जो कि फिसलन बहुत होती है, तो ये यहाँ जाना ठीक नहीं है। यहाँ पे जाते हैं ये लोग, यहाँ हो गए और यहाँ अभी तो यहीं जा रहे हैं, तो यहाँ जाना भी सेफ नहीं है। तो ये देख लीजिए भाई साहब, अभी ये बार आपको यहाँ आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अभी जनवरी फरवरी तक यहाँ पे आ जाएगा। अभी ये दिसंबर ही चल रहा है, ठंड का माहौल है। तो आज बन रहा है बाड़ी, काफ़ी दिनों बाद, आपको भी दिखाते हैं। तो ये पूरी चोटी पर आपने देखा होगा बर्फ़बारी हुई थी। अभी ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम के लिए कुछ गर्मी के लिए कुछ खाना पड़ता है, तो बाड़ी बनाया हुआ है, वो वीडियो भी आप देख लीजिए। तो काफ़ी दिनों बाद हमने बाड़ी बनाया, वो आप देख लीजिए, आपको भी मज़ा आने वाला है देखने में। खाने में तो हमको मज़ा आया, आप बस देखने। तो वहाँ पर ले जाओ, तीन कुकुर वहाँ डाल दो। GoPro यार टूटो ने पता अरे तक GoPro ने कोई बता रो ले वही चल निकल। तो इनकी तो दिन भर लड़ाई चलती रहती है। शायद मैं अभी हाथ साफ कर लेता हूँ बीच बीच में। तभी तो युगो सवारी मुझे होने अब नहीं सजी शरीर पढ़ाने की तो नहीं, शरीर पढ़ाने की तीपा जी तो नहीं है। तो भी मान ले अरे आगे मम्मी तो दबाने ना मादा ना। तो भी जो कि टाइम 12 बज रहे हैं और यहाँ जो कि बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है। ये देख लीजिए, ओहो हो बारिश अलग हो रही है और ठंड अलग लग रही है। ये वाला मौसम मुझे, बारिश वाला मौसम मुझको सबसे बेकार लगता है। इसमें एक वक्त एक तो फालतू की ठंड होती है और कहीं आने जाने के लिए नहीं होता है। ना हम घर से कहीं जा सकते हैं बारिश के मौसम में, जाना तो जाना कहाँ है, ना मार्केट जा सकते हैं ना किसी के यहाँ पे जा सकते हैं। अभी अंदर ही लेटे हुए थे, अभी बाहर आए, अभी सोच रहे हैं करना क्या है। अभी बस खाना बनाते हैं और फिर अंदर लेटना है क्योंकि बारिश के मौसम में कुछ करना काम तो है नहीं। फिर भी तो बारिश वाला मौसम मेरे को सबसे बेकार लगता है। एक तो इसमें आलस आता है और ठंड लगती है। हाँ तो इसको भी ठंड हो गई। तो ये भी ऊपर किचन में आया हुआ है, आग सेक रहा है दूर से। इसका बिस्तर और नीचे पे लगाया हुआ है, लेकिन भाई साहब को यहाँ गद्दी में सोना है। बेटी रहा बिल्कुल कुछ ना के गोद में आने कुछ कर रहा पूरी। ये देख लीजिए, बारिश बाहर कंटिन्यू हो ही रही है और यहाँ हो गया खाना बनाने का टाइम। अंधेरा दिख रहा है, पहले यहाँ लाइट नहीं है और ऊपर से गोप्रो पहले अंधेरा दिखता है। यहाँ दाल रखी हुई है, प्याज टमाटर हमने काट दिए हैं। भाई साहब यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा, मुझे लगने लगा कि मैं भी दिख रहा होगा। अभी टुकड़ो यहाँ नीचे बैठा हुआ था, मैंने इसको यहाँ बैठा दिया है क्योंकि नीचे हो रही थी ठंड। मैं आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। आजकल ये प्रॉब्लम आ रही है, इसकी सेटिंग गोप्रो की सेटिंग मेरे को लग रहा है फिर से एक बार चेक करनी पड़ेगी क्योंकि सेटिंग से कुछ लग रहा प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि जैसा मैं थोड़ा भी अंधेरे पे जा रहा हूँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अभी ये देख रहा है मेरे को कि क्या कर रहा है, किसके साथ बात कर रहा है ये। अभी जो ये पूरे बादल फिर से जो कि आने स्टार्ट हो गए हैं। अभी आएगी तगड़ी बारिश। ये देख लीजिए, ये सारे बादल नीचे नदी से और ये जा रहे हैं ऊपर केदारनाथ की साइड और यहीं से हम पीछे भी जा रहे हैं। अब आने वाली है बारिश, लग रहा है कि अब तगड़ी बारिश आने वाली है। अभी तो हल्की फुल्की हो रही थी, अभी तो हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, अब तगड़ी आने वाली है। क्योंकि जिस तरह से कोहरा जा रहा है, यहाँ से भी कोहरा जो कि पूरा घना वाला कोहरा है यहाँ ऊपर जा रहा है और यहाँ से भी, यहाँ सामने पे तो आप देख ही सकते हैं कितना खतरनाक कोहरा लगा हुआ है। और ये पूरे बादल यहाँ जा रहे हैं, कुछ केदारनाथ की साइड और कुछ हमारे पीछे की साइड। अभी तो हल्का फुल्का जो कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन इसके बाद बारिश बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। ऐसी मैं संभावना कर रहा हूँ कि वही देखते हैं होती है या नहीं होती है। Sometimes everything was on the line, didn't want to be the one who had to say it. No, I can't rewind the time, promise I'll put down my pride, don't look back because I mean it when I say it.